हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेबरन ब्लॉग। आज हम लोग भेरेन में आमवास सिटी घूमने के लिए आया। आमवास तो यहाँ पे सामने, मेरे सामने पब्लिक बीच है और यहाँ पे ना पूरा आजू बाजू में बीच ही बीच है यार यहाँ पे, और पूरा हरा भरा है यार, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आज अकेला आया हूँ आमवास घूमने के लिए। बहुत दिन से घूमने के लिए बाहर नहीं गया मैं, तो आज आमवास इस लाइन में पहुंच गया यार मैं। बहरीन में आज अकेला घूम रहा हूँ मैं, आप लोग देख सकता है आजू बाजू में ये कौन सा पेड़ है यार, ऐसा है पूरा देखो। और यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं। और मौसम में ना आज मौसम बहुत अच्छा है यार, इतना गर्मी नहीं है, हवा लग रहा है, ठंड है थोड़ा सा। तो यहाँ पे अभी बीच में जाएंगे हम, मैं घूमने के लिए वो साइड प्राइवेट बीच है और यहाँ पे पब्लिक बीच है, यहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग है ना वो साइड जाएंगे, वो साइड जो ब्रिज जैसा देख रहा है ना, वहाँ पे जाएंगे हम लोग, देखते कैसे। और वो साइड है ना प्राइवेट बीच है लगता है, उधर जाने को अलाउड नहीं रहेंगे, तो इधर जाके देखेंगे इधर जाने के लिए अलाउड है कि नहीं। वो साइड से जाएंगे तो इधर साइड जाने को देगा कि नहीं देगा यार, देखना पड़ेगा। ये फूल कितना अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे है ना यार जाने के लिए अलाउड नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है लगता है, इस पर जाने के लिए अलाउड नहीं है यार। इतने दूर से मैं खुश होके आया था यहाँ पे जाएंगे, लेकिन जाने के लिए अलाउड नहीं है, तो फिर गाइस वापस जाना पड़ेगा यार। मूड खराब कर दिया, इतना खुश हो गया आया था वहाँ पे जाने के लिए ना, जगह बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन जाने के लिए अलाउड नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज रहेंगे यार। तो फिर आगे जाएंगे, देखते हैं। ये देखो ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, इसलिए जाने के लिए अलाउड नहीं कर रहे हैं। देखो भाई पब्लिक नज़र नहीं आता, गाड़ी नज़र आएंगे लेकिन पब्लिक एक भी नज़र नहीं आएगा यहाँ पे ऐसा। यहाँ पे किधर भी जाओ है ना, भैरिन का झंडा लहराएगा, लहरा के रखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा आपको, कितना भैरिन का झंडा लहरा के रखा हुआ है। यहाँ पे किधर भी जाओ ऐसा मिल ही जाएंगे, इंडिया के अंदर बहुत कम दिखाई देता है यहाँ पे, लेकिन हर सर्किल पे, ऑफिस के बाहर, घर के बाहर पूरा झंडा लहरा के रखा रहता है यहाँ पे। यहाँ पे और एक नज़र मिल गया मुझे, यहाँ पे यार पूरा प्राइवेट बोर्ड रखा हुआ है। अरे ये साइड से नीचे जा सकते हैं लेकिन नहीं जाऊंगा मैं यार, ये किसका घर है, करोड़ों का घर है यार, ये पूरा समुंदर कनेक्टेड है, ऐसा फूल लगा हुआ है यार। यहाँ पे ना पब्लिक बहुत कम है भाई, रास्ते में चलेंगे ना तो पब्लिक नज़र ही नहीं आएंगे, पूरा सुनसान है, एक दो ऐसे लोग मिलेंगे, पब्लिक सब गाड़ी में घूमता है, कोई पैदल नहीं चलता यहाँ पे, और मैं अकेला यहाँ पे पैदल चल रहा हूँ। ये देखो भाई और एक नज़ारा भैरिन में, आमवास, ये आमवास सिटी है, ये सब ये आजू बाजू में ना पूरा ये प्राइवेट करके रखा है ये लोग, नहीं उधर जाने के लिए देंगे नहीं, दूसरे के घर है, लेकिन आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं, ये दूर दूर तक पूरा समुंदर ही है यार, पूरा समुंदर के नज़ारा। और ये सब ना पूरा मिट्टी ढल के ये लोग घर बनवा के ले रहे हैं, वो साइड भी और पूरा ये साइड, तो पूरा दूर दूर तक समुंदर ही नज़र कुछ नहीं आ रहा। और ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट बीच है, पानी पूरा नीला है भाई, लेकिन पूरा साफ सुथरा है। अगर भैरिन में किसी को ज़मीन चाहिए ना तो इस नंबर में कॉल कर लो भाई यार, लैंड फॉर सेल, ओके, लेकिन करोड़ों में आएंगे भाई, करोड़ों में। और एक चीज़ ये भैरिन में है ना, ये चीज़ बहुत खास है भैरिन में, आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे लेक के रखा हुआ है, ये देखो नो फिशिंग, तो आप यहाँ पे मच्छी नहीं मर सकते, तो उसके मतलब यहाँ पे बहुत मच्छी रहेंगे यार, बहुत मच्छी रहेंगी इसमें, और पानी पूरा नीला दिखाई दे रहा है। अगर आपके घर ऐसे होता ना, पूरा समुंदर से लगा हुआ और नीला पानी ऐसा, तो बहुत खुश नसीब होंगे भाई। तो गाइस
यहाँ पे मैं समुंदर किनारे पहुँच गया, यहाँ पे ना शू खोल लेता हूँ और समुंदर किनारे चलने के लिए जाऊँगा अभी। यार बहुत दूर आ गया मैं आमवश में, बहुत दूर आ गया, अभी टाइम आ गया समुंदर किनारे में चलने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों शू पकड़ लिया मैं। गाइस चलो, ओह संभल के चलना पड़ेगा यार, ओ पाँव में लग रहा है। और यहाँ पे ना जमीन ऐसा है भाई, जमीन लोग देख सकते हैं बेरेन के जमीन कैसा है, पत्थर है यार, पाँव में लग रहा है, थोड़ा सा संभाल के जाना पड़ेगा। और ये देखो ब्रिज के सामने शाम के टाइम पे पूरा सुनसान है और मैं अकेला यहाँ पे, ये पत्थर में संभाल के जाना पड़ेगा। ओ गाइस मैं पहुँच गया, देखो गाइस पानी पूरा साफ है भाई, ओ ठंड है भाई यार, ठंड लग रहा है भाई, पानी बहुत साफ है भाई। लेकिन इतना साफ सुथरा पानी में है ना, मजा आ जाएंगे भाई। बारिश भी आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, ऐसे भैरिन में बारिश नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ही होता है भैरिन में बारिश। बहुत हवा लग रहा है भाई, हवा बहुत ज्यादा है। और जिसके भी घर समुंदर के किनारे होते हैं ना, यहाँ पे ऐसा होता है भाई, उनके मजा है देखो ऐसा। और ये सब ब्रिज लगा के और यहाँ पे प्राइवेट बोट, ये देखो भाई घर से पूरा ब्रिज कनेक्टेड है और ब्रिज पूरा समुंदर में जाता है, और ऐसे प्राइवेट बोट देखो, बहुत सारा ऐसा घर मिल जाएंगे आपको जो समुंदर के किनारे है और यहाँ पे ऐसा बोट खड़ा है। उधर भी एक है जिसके भी समुद्र के किनारे घर हो, यहाँ पे देखो भाई दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, पूरा समुंदर लोग देख सकते हैं यार, समुद्र का व्यू पूरा नीला पानी। जब पानी बढ़ जाता रहेगा ना तो ये पानी ऊपर तक आता रहेंगे यार, ये सब पूरा सामने घर, तो फिर ये ना पानी यहाँ तक ऊपर तक आता रहेंगे पूरा घर के सामने तक, यहाँ तक ये देखो लहर यहाँ तक आता रहेगा यार, तो फिर देखो यहाँ तक लहर आएगा ना तो पूरा घर के सामने ही, घर के सामने तक आ जाता रहेगा पानी, और थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा तो घर में पहुंच जाएंगे साला पानी, ऐसा हालत है। लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारा है यार, और बहुत ऐसा घर मिल जाएंगे आपको समुंदर के किनारे किनारे, काश मेरा भी ऐसा होता समुंदर के किनारे, ऐसे पूरा बगल में ऐसा समुंदर के किनारे घर होता। देखो दूर दूर
थोड़ा सा घेरा है। अरे साइड चल चल के मैं बहुत दूर आ गया यार, बहुत दूर। उधर तक नहीं जाऊंगा यार, शायद जाने के लिए अलाउड नहीं है। मैं इधर आ गया तो फिर जिधर से आया था उधर ही वापस चला जाऊंगा। मैं इधर से आया था, बहुत दूर आ गया मैं चल चल के समुंदर किनारे किनारे। एक है भाई समुंदर से बह कर आ गए यहाँ पे, समुंदर से बह कर आ गए यहाँ पे, अटक गया वो। समुंदर में पहुँचना पड़ेगा उसको यार। भाई शाम के टाइम है और यहाँ पे अभी बारिश चालू हो गया है भाई, थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है, पर बारिश ज़्यादा हो जाएगा ना भीग जाऊँगा भाई, बहुत लफड़ा होएगा फिर। अचानक से बारिश चालू हो गया भाई यार, ज़्यादा हो जाएगा ना तो पूरा भीग जाएगा, लफड़ा होएगा, अगर थोड़ा बीमार हो जाऊँगा। भाई बारिश होना नहीं चाहिए, बारिश हो जाएगा लफड़ा है। हाय लोग, इवनिंग वॉक बहरीन में, पूरा सुनसान है और थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है। ये लोग इवनिंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा इवनिंग वॉक कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना सुनसान है, लेकिन बहुत साफ सुथरा है यार, इतना क्लीन है ना, इतना क्लीन, गंदगी किधर मिलेगा ही नहीं आप लोगों को। तो गाइस सब लोग भाग रहा तो मैं भी भागता हूँ यार थोड़ा सा। ओ मज़ा आ गया आज बहरीन में, अमवस में घूम के, ये अमवस स्थिति में घूम के मज़ा आ गया आज यार। ना खूबसूरत जगह, क्लीन, साफ सुथरा, भाई क्या बताऊँ यार। तो भाई लोग जिस जगह से मैं चालू किया था उस जगह पहुंच गया यार वापस, आप लोग देख सकते हैं जिधर से चालू किया था उधर ही पहुंच गया मैं वापस। ये शाम के टाइम पे ये व्यूज आप लोग देख सकते हैं, पूरा सुनसान हो गया यार। अभी रमजान चालू है ना तो उसकी वजह से पब्लिक उतना नहीं आता, लेकिन आप लोग बहरीन का व्यूज देख सकते हैं। ये अमवर सिटी है, अमवर सिटी में आया हूँ मैं आज, आप लोग देख सकते हैं। ये साइड भी है प्राइवेट बीच है, वो साइड भी प्राइवेट बीच, और इधर पब्लिक बीच है सामने।